बदला? बैड मैनर्स जानकी, किसी की डायरी नहीं पढ़ते। अच्छा, ऐसे क्या क्या सीक्रेट्स लिखे हैं जिन्हें छुपा रही हो? हाँ, इसमें मैंने अपने एक बॉयफ्रेंड के बारे में लिखा है। डर गई ना तुम? अरे ये शूटिंग की डायरी है, कहाँ पर शूट होता है, किस जगह जाना होता है, ये सब कुछ मैं इसमें लिखती हूँ। आज पहली बार तुम्हें इस तरह डायरी लिखते हुए देखा। हाँ, वो शूटिंग पर जाने के बाद ही तो लिखना शुरू किया है डायरी। अच्छा हाँ, ये सब छोड़ो, वैसे तुम बताओ कुछ काम था? हाँ, वो कल के बारे में याद दिलाने आई थी मैं। कल के बारे में? कल कुछ है बिंदिया? कल संकष्टी चतुर्थी है। ओह! और हम उपवास रखेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू जानकी। काश हमारे साथ यहाँ पायल भी होती। बेचारी, अभी अभी तो शादी हुई है उसकी और इस घर में कदम रखते ही बस प्रॉब्लम से घिरी हुई है। एनीवे, तुम याद रखना। तुम माँ के पास चली गई हो तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मुझे अगले बार के लिए तैयार हो तक सोई नहीं? तुम भी तो जाग रहे हो। अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, पायल के बारे में सोच रहा था। तुम कहां से आ रही हो? बिंदिया के पास ही थी। मुझे विश्वास नहीं होता वो संकष्टी चतुर्थी का उपवास भूल गई। जिस लड़की को छोटी छोटी बातें याद रहती हैं, वो संकष्टी चतुर्थी का इतना बड़ा दिन कैसे भूल सकती है? I think जानकी तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। देखो, वो बेचारी अपने काम में काफी बिजी रहती है और उसी चक्कर में भूल गई होगी। एक बात पूछो जानकी, तुम्हें क्या लगता है ये जो इंडिया कह रही है कि उसने पायल को खाने में जहर मिलाते हुए देखा, क्या ऐसा हो सकता है? पायल ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन बिंदिया भी झूठ नहीं बोलेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब समझ में ये नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा, कि उसने पायल को जहर मिलाते हुए अपनी आंखों से देखा है। पायल ने ऐसा कुछ किया नहीं, बिंदिया झूठ नहीं बोल रही है, तो ये जो कुछ भी हो रहा है क्या इसमें कोई तीसरा शामिल है? ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, बिंदिया पायल के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, वो खुद उसे काफी पसंद करती है। पता नहीं जानकी, पर जो दिख रहा है वो है नहीं,
और जो है वो हम लोग देख नहीं पा रहे। ये इट्स गेटिंग मिस्टीरियस नाउ। हमने तो सोचा था महेश और पायल की शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चीजें तो उलझती जा रही हैं। पता नहीं इन सारी मुसीबतों का अंत कब होगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ भावना? क्या भाभी? मैंने सुना है बिंतिया ने रोहित की लिखी हुई स्क्रिप्ट फेंक दी और सबके सामने उसकी बेइज्जती भी कर दी। भावना, ये जो कुछ भी हुआ है ना आज, बुरा मत मानना, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती है। भाभी सच कह रही है भावना, इतना भी भूला मत बनो कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहो। कहाँ? भाभी मैं अनजान नहीं हूँ, मुझे सब पता है। आपको पता है मेरी बहू को नजर लग गई है, और मैंने ऐसा सुना है, ऐसा कहते हैं कि परायों से ज्यादा अपनों की नजर लगती है। क्या है ना, मेरी बहू बहुत कामयाब हो गई है टीवी सीरियलों में। अब क्या है ना भाभी, और किसी की बहू तो इतनी कामयाब हो नहीं सकती है। तो जो देखो मेरी बहू पे नजर लगाता रहता है। देखा भाभी, उल्टा हमें सुनाकर चली गई है। लेकिन मैं इसकी बहू को नजर क्यों लगाऊंगी? इसकी सास मेरी उतरी हुई साड़ियां पहनती है और हमेशा उसका हाथ मेरे आगे फैला हुआ होता है। इसकी बराबरी वो मेरे साथ कर ही कैसे सकती है? कहाँ? अगर मैं उसकी जगह होती ना, तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। सही कहा तुमने कोकी, तुम क्यों हाथ फैलाओगी किसी के आगे? लेकिन तुम्हारे पति का क्या, जो हर वक्त अपने भाई के सामने हाथ फैलाए खड़ा रहता है? जब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा, तब मैं देखूंगी कि तुम्हारा वट कहाँ है। बदल क्यों गई हो? मुझसे दूर दूर रहती हो, जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं कोई अजनबी हूँ। कभी स्क्रिप्ट की तारीफ करती हो तो कभी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे स्क्रिप्ट की तारीफ करती रहूं? देखो उस दिन तुमने बहुत ही घटिया डायलॉग लिखे थे, और मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं कर सकती। इतनी हिपोक्रेसी क्यों दिखा रही हो बिंदिया? एक्टिंग ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें घमंड हो गया है? तुम जलते हो रोहित, मेरे नाम से, मेरे शोहरत से। मैं जलता हूं? मैं? हाँ। तुम भूल गई मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया था एक्टिंग के लिए, मैंने तुम्हें एनकरेज किया था, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मुझ पर? बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैंने तुम पर भरोसा किया, अपनी माँ अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दिया। इस मुकाम पर लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुम बिंदिया, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं जान गया हूं तुम अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और।
जाने की सजा तो तुम्हें मिलेगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारे और रोहित के बीच जो मैंने नफरत का बीज बोया है बिंदिया, वो बेकार नहीं जाएगा। ये लो, अब इसमें माता जी के आशीर्वाद भी है। इसे जाकर बिंदिया के कमरे के बाहर लगा दो। भावना चाची, आप ये चाची, ये आप क्या कर रही हैं? जानकी बेटा, मेरी बिंदिया को नजर लग गई है और इसीलिए मैं वहां नींबू मिर्ची लटका रही थी। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता चाची, बिंदिया का स्वभाव तो आपको पता है, उसका इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है। वो देखेगी तो उसे शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। तुम्हारी बात सच है जानकी बेटा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है हमारी बिंदिया को बहुत बुरी नजर लग गई है। वो आजकल कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। तुम्हें पता है, कल उसने शूटिंग में रोहित की स्क्रिप्ट फेंक दी और उसे बहुत बुरा भला कहा, और उसने कल मेरे साथ भी कुछ अजीब तरह का बर्ताव किया और यहाँ तक कि मुझे धमकियां देने लगी। भावना चाची की ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि बिंदिया इन दिनों कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी है। पर भावना चाची, इस वक्त बिंदिया कहाँ है? घर में तो कहीं नहीं है। मैं जानती हूँ काजल, तेरी आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही है, और जब तक उन गुनहगारों को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती तो तेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। अगर जानती है बुआ तो फिर कुछ करती क्यों नहीं? देखो मैंने, काजल। हाँ, मैं काजल, काजल। और बुआ, हाँ बुआ, आपको मेरी इस लड़ाई में एक बार मेरा फिर से साथ देना होगा। आप पायल को यहां मत रहने दीजिए। वहां वहां तो मैं पायल को रहने नहीं दूंगी, और यहां यहां पर आप मेरा काम संभालिएगा। काजल के दुश्मनों को रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलना चाहिए, समझिए आप? हाँ, लेकिन बुआ, आपकी इस दुनिया में मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है।
लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये किसी के सामने भी ये राज खोलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी अपनी हैं। आपका नाम भी काजल के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, समझिए आप? समझ गए। यहाँ कब आई? बस अभी अभी आई हूँ आंटी जी। वो क्या है ना, पायल से मिलने का बहुत मन कर रहा था तो बस आ गई मिलने। देखो बिंदिया, मैं नहीं जानती कि पायल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उससे क्या गलती हो गई है कि तुम उसके साथ दुश्मनों से व्यवहार करती हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं आंटी जी, पायल तो मेरी बहन जैसी है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। आंटी जी लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मुझे पता था, इसीलिए मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आई। देखिए आंटी जी, इन सब बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ पायल के पागलपन की वजह से हुआ है। हाँ, होश में तो हो तुम? तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी बेटी पागल है? देखो बिंदिया, पायल मेरी बेटी और तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से मैं उसको जानती हूँ। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, और खाने में जहर मिला ना, ऐसा तो वो कभी नहीं कर सकती। आंटी जी आप उसे जानती हैं लेकिन पहचानती नहीं। बस चुप हो जाओ, इस वक्त तुम मेरे घर में खड़ी हो, लेकिन याद रहे मेरी पायल का अपमान करने वालों को तो मैं बिंदिया बहुत जहर उगल चुकी, लेकिन बेहतर उसमें है कि मैं अपनी मान मर्यादा भूल जाऊं, इससे पहले तुम इस घर से चली जाओ। निकल जाओ यहां से, जाओ। भाभी बस तुझ वाला, तुम जानती हो ना ये वही लड़की है जिसने अपनी पायल की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये इतना कुछ बोलती रही और तुम चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कहा उसे। माफ करना, तुम्हें अपना कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। मेरे साथ ये क्या है? क्या ये सब?